मध्य प्रदेश हरदा जिले के छिपाबड़ थाना क्षेत्र में सुबह चौक हरदा खंडवा पर एक दंपति को टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल पर सवार शेर सिंह राजपूत, पत्नी उमा राजपूत, पोती काव्या 5 वर्ष घायल हुए, जिन्हें रेफर किया गया। इस दौरान छिपाबड़ के ग्रामीणों ने भारी संख्या में महाराणा चौक पर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि एक युवक द्वारा अपशब्दों का प्रयोग कर धमकी दी, जिसको लेकर छिपाबड़ के ग्रामीणों में भारी आक्रोश है और वे उस युवक को घटनास्थल पर बुलाकर माफी मंगवाने की बात पर अड़े हुए हैं। जबकि सुबह 9:30 से अभी तक राजमार्ग पर जाम लगा हुआ है और गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। इस दौरान जिले का समस्त थाना पुलिस बल घटनास्थल पर मौजूद है, छिपाबड़ थाना के प्रभारी को हटाने की मांग कर रहे हैं। नमस्कार साथियों, आज हरदा जिले के छिपाबड़ में एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। एक ओवरलोड डंपर से 3 व्यक्ति घायल हो गए, एक महिला, एक बच्ची और एक वो व्यक्ति जो गाड़ी चला रहा था, जो मोटर बाइक पर था। अब सवाल है कि ये ओवरलोड डंपर जो हरदा जिले की सड़कों पर यमराज की तरह घूम रहे हैं और आए दिन ऐसे अलग अलग हादसे होते रहते हैं, इन पर कोई रोक क्यों नहीं लगाई जा रही है? क्यों इस पर प्रशासन और कमल पटेल जी जो मंत्री हैं, विधायक हैं, क्यों इस पर कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं? अभी 2 दिन पहले जब प्रशासन के साथ मीटिंग हुई तो उसमें कमल पटेल जी ने कहा, इस बात को स्वीकार किया कि हरदा जिले में अवैध खनन रेत का हो रहा है। ये रेत को भरकर अलग अलग डंपर्स जो हैं उनको जितना रेत उसमें भरी जाना चाहिए उससे 3 गुना ज्यादा रेत भरकर सड़कों पर ये वाहन चल रहे हैं। तो अवैध खनन का जो रेत का मामला है वो तो अपने आप में एक मामला है ही, लेकिन ये ओवरलोड डंपर से आए दिन हरदा जिले में जो अलग अलग जगहों पर दुर्घटनाएं हो रही हैं, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो मेरा हाथ जोड़कर निवेदन कि मासूमों की जो जान जा रही है, जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, इस पर तुरंत रोक लगनी चाहिए और प्रशासन को और कमल पटेल जी को इस बात की जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि इस प्रकार के जो ओवरलोड डंपर हरदा की सड़कों पर चल रहे हैं, इन पर तुरंत रोक लगाई जाए। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर।